हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रावण दहन। टांडा एनटीपीसी में वर्षों से चला आ रहा रावण दहन हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको पता होगा रावण दहन में असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। जैसा कि रावण का वध करके दशहरा त्यौहार मनाया जाता है, आइए हम आपको दशहरा दिखाते हैं दोस्तों, रावण दहन इस एनटीपीसी टांडा में। तो गाइज, आप देख सकते हैं रावण दहन को देखने एनटीपीसी में लोग जा रहे हैं, बहुत ही लोगों में उत्साह भी है। आज असत्य पे सत्य की जीत के बाद लोग रावण दहन देखने के लिए जाते हुए। आप देख सकते हैं अभी सब लोग रावण दहन को देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एनटीपीसी का ये मुख्य द्वार है, अभी लोग रावण दहन के लिए जा रहे हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, इसी उपलक्ष्य में रावण दहन किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि हम एनटीपीसी टांडा में आ चुके हैं, जो कि रामलीला मैदान है दोस्तों। इस रामलीला मैदान पे आप देख सकते हैं, इस रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं रावण यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण के साथ कुंभकर्ण भी है, उनको भी साथ में दहन जलाया जाता है रावण। आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ है लोगों में, रावण को आप देख सकते हैं, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी खड़ा किया गया है। इसको बहुत ही अच्छी आतिशबाजी के साथ जलाया जाएगा। वर्षों से चले आए इस टांडा एनटीपीसी में आप देख सकते हैं रावण दहन को देखने के लिए बहुत ही भीड़ उमड़ आई है। असत्य पे सत्य की जीत हुई थी दोस्तों। श्री राम भगवान रावण का वध करके अयोध्या लौटते थे। आप देख सकते हैं रावण राम को उत्साहित कर रहा है लड़ाई करने के लिए। और इस एनटीपीसी टांडा में रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं रावण को मारने के लिए राम अपनी वानर सेना के साथ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं राम और लक्ष्मण के साथ सेना। सामने राम, एक लाए तो एक काम करा सलाह अपनी प्रतिहिंसा जीती है।
सेना के साथ रावण को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लंकेश यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं रावण की सेना और राम की सेना के बीच में वध भी हो रहा है। तलवार दोस्तों आप देख सकते हैं आतिशबाजी होने वाली है। आतिशबाजी के साथ रावण को यहाँ पर दहन किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर अभी शुभारंभ होने वाला है दहन का। देख सकते हैं राम तीर आप देख सकते हैं दहन लग चुका है।
बहुत सुंदर आतिशबाजी के साथ रावण दहन एनटीपीसी टांडा में वर्षों से चला आ रहा है। देख सकते हैं रावण जल के राख हो गया है पूरी तरह से। अरे ये आतिशबाजी रही। हेलो, बहुत सुंदर आतिशबाजी आसमान में आप देख सकते हैं। धुआं ही धुआं हर जगह हो गया है दोस्तों आतिशबाजी से। एनटीपीसी रामलीला मैदान है ये। गाइस आप देख सकते हैं आइसक्रीम भी मिल रही है मेले में, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए खिलौने और भी चीजें उपलब्ध हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों के लिए। दोस्तों देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य के साथ आप देख सकते हैं सब लोग, कोई बच्चों को ट्रेन दी जा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों रामलीला मैदान रावण को मारने के बाद देख सकते हैं सब लोग। आप देख सकते हैं तो सारे खिलौने इधर मिल रहे हैं। यहाँ पर रामलीला मैदान में एनटीपीसी टांडा में हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। आप देख सकते हैं ये फिरोज जी हैं और अंकुर और राजकुमार, ये तीनों लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, और आइए हम और भी आपको नज़ारे यहाँ के दिखाते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं रामलीला मैदान में, आइए हम आपको यहाँ का रामलीला मंच भी दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत ही सुंदर रामलीला भी खेला जाता है दोस्तों। राम के किरदार में, सीता के किरदार में, और भी रामायण से संबंधित जितने भी किरदार होते हैं, और आप देख सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड यहाँ चीज़ें बहुत उपलब्ध हैं, और आप फ्रूट्स भी देख सकते हैं मिल रहा है, और कैलेंडर भी खाने पीने से रिलेटेड आप देख सकते हैं, फूड कोर्ट दोस्तों एक लाइन से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, खाने पीने की चीज़ें एक लाइन से आप साइड में देख सकते हैं, लोग यहां पर कुछ खा पी रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्लानिंग किया गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड में सारे ये खाने के लिए ही सारे स्टॉल लगाए गए हैं, फूड कोर्ट आप देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस मेले में चाउमीन तो जैसा बहुत ही फेमस हुआ करता है, आप देख सकते हैं यहाँ लोग चाउमीन खाते हुए। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों भीड़ भी है यहाँ पर, जैसा कि दशहरा 2022 आप देख सकते हैं एनटीपीसी टांडा में रामलीला मैदान में वर्षों से चला आ रहा है। मोमोज भी आप देखते ही होंगे दोस्तों, यहाँ पर मोमोज भी बिक रहे हैं बहुत ही सुंदर, आपको स्टीम से रिलेटेड और फ्राई भी मोमोज भी खाने को मिल जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों इस मेले में हर चीज़ों को बखूबी से ध्यान में रखा गया है, आप देख सकते हैं चाट भी बनाए जा रहे हैं, खाने से रिलेटेड हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिली जाएंगी। देख सकते हैं दोस्तों मेले में गरम गरम जलेबियां भी मिल रही हैं, आपको खाने पीने के लिए पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जलेबी छन रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेले में तो कॉमन ही होता है गुब्बारे, बहुत सुंदर दोस्तों आप देख सकते हैं ये रामलीला मंच है एनटीपीसी टांडा का, स्थापना 1985 में इसका हुआ था, एनटीपीसी टांडा विद्युत नगर अंबेडकर नगर आप देख सकते हैं रामलीला मंच, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर रामलीला मंच तैयार किया जाता है, और राम की भूमिका में बहुत ही अच्छा रामलीला यहाँ पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रामलीला मंच जहाँ पर रामायण खेला जाता है। तो गाइज मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।